Good morning, my dear students. I am your math teacher from St. Paul International School. Today, we are going to start your new topic, area. New topic, area from chapter 10, perimeter and area. In my last video, you already we already discussed about the perimeter. How to calculate the perimeter? In last video, I already tell you. Now, we are going to start about the area. तो एरिया क्या होता है बेटा अभी तक तो, तो हमने पैरीमीटर किया था जैसे ये थी एक डायग्राम तो आपने इसका क्या निकाला था पैरीमीटर कैसे निकाला था आपने क्या किया था सम किया था सम ऑफ ऑल द साइड्स सभी साइड्स का क्या किया था बेटा सम तो उससे क्या निकलता है हमारा पैरीमीटर अब हमने क्या निकालना है एरिया हमने मैंने आपको बताया था पैरीमीटर क्या होता है एक तरह के ये आउटलाइनिंग हम सिर्फ इसका ही निकालते हैं ये कितनी है तो वो होता है हमारा पैरिमीटर बट अब हमने क्या निकालना है एरिया तो एरिया क्या होता है इसका अंदर वाला हिस्सा जितना भी है ये फील्ड वाला हमें जो शेड कर रही हूँ ये वाला हिस्सा हमारा कितना है इसे हम बोलते हैं एरिया ये हम अब कैलकुलेट करना सीखेंगे तो बेटा एरिया हमने दो ही निकालने हैं दो फिगर्स के मीन्स के एक तो हमने निकालना है दो शेप्स के निकालेंगे एक तो स्केर का और एक निकालेंगे रेक्टेंगल का ओके okay बेटा स्केयर एंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल कौन सी होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो बेटा एक क्या हो इक्वल मींस के अगर ये साइड मान लो जैसे एट सेंटीमीटर है तो ये भी साइड कितनी होगी आपकी एट सेंटीमीटर अगर ये सेवन सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी सेवन सेंटीमीटर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल व्हाट इज दैट बेटा रेक्टेंगल और स्केयर क्या होता है स्केयर वो होता है जिसकी क्या हो फोर साइड्स इक्वल फोर साइड्स इक्वल इफ दिस वन इज सेवन अगर ये सेवन है तो ये भी कितना होगा सेवन ये भी सेवन और दिस साइड आल्सो सेवन अब हमने डिस्कस कर लिया रेक्टेंगल क्या होता है और स्केयर क्या होता है अब हम क्या डिस्कस करेंगे ये कैलकुलेट कैसे होते हैं तो मैं अगर लिखूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों क्योंकि इनकी दो साइड्स तो इक्वल है बेटा इसलिए हम टू साइड्स की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा ये वाला तो क्या किया हमने लेंथ इन टू ब्रेथ तो ये इसी के अगर हम ले बात करें तो लेंथ कितनी है बेटा सेवन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है एट सेंटीमीटर तो वी नो दैट एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स आप बेटा देखो सेंटीमीटर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है दो बार आया ना तो हम सेंटीमीटर लिख के उसकी पावर टू लिख देंगे ऊपर ओके बेटा या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो फिफ्टी सिक्स स्क्र सेंटीमीटर ओके दिस वन इज़ आल्सो राइट दिस वन इज़ आल्सो राइट यू कैन फॉलो ओनली वन फ्रॉम दिस नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्केयर एरिया ऑफ स्केयर अब हम किसका एरिया निकालना है स्केयर का तो स्केयर का एरिया कैसे निकलेगा बेटा इसकी क्या है फोर साइड्स आर इक्वल मीन्स के टू टू साइड लेनी है हमने टू साइड्स बोथ आर इक्वल मीन्स के हम क्या ले सकते हैं साइड इनटू साइड क्या ले सकते हैं साइड इंटू साइड अभी तक हमने क्या लिखा था लेंथ इंटू ब्रेथ किसके लिए रेक्टेंगल के लिए, लिए. क्यों क्योंकि अलग अलग थी अब हमने साइड साइड क्यों लिख दिया क्योंकि चारों क्या हैं बेटा फोर साइड्स आर इक्वल तो साइड कितनी है सेवन 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 यहाँ पे भी दो साइड्स ले रहे हैं तो स्केयर सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन स्केयर दिस वन इज़ योर आंसर आप ऐसे भी ले सकते हो और फोटी नाइन स्केयर सेंटीमीटर इस तरह मिल सकते हो बोथ आर राइट यू कैन फॉलो फ्रॉम दिस वन पैटर्न ओके बेटा सो वॉच द वीडियो वेयर केयरफुली एंड सॉल द एक्सरसाइज फॉर टोटली वेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मल एरिया ऑफ रैक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्केयर थैंक यू